आप उनका घूंघट खोल पाएंगी ना? शादी के बाद हर लड़की पराई हो जाती है, तो अब से तेरे भाग्य का हर निर्णय तेरे पति बाबू लेंगे। वो मैं जड़ाऊ कंगन लेके आती हूँ। अगर घूंघट खोलते समय मेरे हाथ कांपे तो? अगर मैं रस में नहीं कर पाई तो? अब अच्छे से समझ ले बोंदिता, तेरी जगह अनिरुद्ध ने मनोरमा को दे दी है। सौरव बाबू के बाबा की भी दो पत्नियां थी, सब जानते हैं। आखिर में सुरमणि माँ को ही सही मायने में पत्नी का दर्जा मिला। जो रस्में मैंने और पति बाबू ने साथ की थी, आज वही रस्में उन्हें किसी और के साथ करते कैसे देख पाऊंगी मैं? छोटी पत्नी के चेहरे पर सिर्फ अपने रिश्ते की हार नजर आएगी मुझे। पति बाबू की जिंदगी में अपनी जगह और किसी को नहीं दे सकती मैं। बोव और उनकी रस्म शुरू करते हैं। बोंदिता, तुम कहीं जाना नहीं चाहती, यहीं रहना चाहती हो, बेशक रहो। तुम्हें इस समाज के हर उस नियम का पालन करना होगा जो एक पहली पत्नी करती है। मैं रहूंगी यहाँ। मैंने पति बाबू को वादा किया है और मैं उसे निभाऊंगी। दुर्गा माँ, शक्ति देना मुझे। कोई भी मेरा साथ दे या ना दे, पर मैं नीचे जाऊंगी और घूंघट खोलूंगी भी। बोंदिता, अब बोव और उनकी रस्म शुरू करते हैं। हाँ जा बोंदिता, छोटी पत्नी का घूंघट उठा। बोंदिता, घूंघट उठाओ। बोंदिता, रुक जा। सीधे नहीं देख सकती तुम छोटी पत्नी को। कहते हैं ना कि बड़ी पत्नी की नजर लग जाती है, तो मुंह दिखाई की रस्म हम पानी में नहीं आईने में कर सकते हैं। अरे कोई आईना लेके आओ जरा। कोई नहीं, मैं लाता हूँ आईना। बोंदिता, तुम मनोरमा को इस आईने में देख सकती हो। ये आईना का खास मेरे लिए पति बाबू लाए थे। पर मैं अगर इसमें एक बार देख लूंगी तो क्या होगा? मैं पति बाबू को किसी से बांट सकती हूँ क्या? लो बोंदिता, आईने में देखना है ना दूसरी पत्नी को। अब रस्म की जा सकती है। हाँ बोंदिता, अब छोटी पत्नी को बड़ी पत्नी के पैर छूने होंगे। खड़े हो जाओ बोंदिता। बोंदिता, ये रस्म इसीलिए है कि तुम बड़ी पत्नी होने के नाते छोटी पत्नी को खुले दिल से स्वीकार करती हो। अरे बोंदिता, सदा सुहागन का अपने पति के साथ खुश रहने का, 7 जन्मों तक बना रहे छोटी पत्नी और तेरे पति बाबू का रिश्ता, इसका आशीर्वाद नहीं देगी तू? हाँ बोंदिता, देना आशीर्वाद। बोंदिता, जो मेरे पास है ही नहीं वो कैसे दे दूं? मैंने पर हाँ, एक तोहफा जरूर देना चाहती हूँ मैं इनको। मनोरमा जी, अपना हाथ आगे कीजिए। कीजिए ना। मनोरमा जी, आंखें बंद कीजिए। और अब तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है कि तुम समय का महत्व समझो। अब नव बरवधू कौड़ी खेला की रस्म करेंगे। बैठ जाइए। बहुत बुरा लग रहा है। जितना दर्द दे रहा हूँ तुम्हें उससे कई गुना ज्यादा मुझे हो रहा है, पर तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए सब सह लूंगा मैं। आप दोनों को मैं क्यों बता रही हूँ? अनिरुद्ध को तो पता ही होगा ना, ये सब रस्में तो पहले भी कर चुके हैं वो। बोंदिता, कोड़ी डालो। बोंदिता हो गया ना, आ जाओ पीछे आ जाओ। अभी ये शरण नववधू की है, आ जाओ शुरू कीजिए। अब अच्छे पत्नी की तरह आपके पीछे घूमती रहूंगी जीवन भर। बोंदिता के उज्जवल भविष्य के लिए जहर को जहर से काटना। अब बोंदिता, तुम्हारे पति बाबू तो किसी और के हो गए। ये सब बेकार रस्में और कार्य करती रहेगी ना, तो नजर पड़ेगी तुम पर, वरना कहीं भूल न जाए कि तू भी उनकी पत्नी है। नहीं, ना मैं बेकार हूँ, ना मैं बेकार के काम करूँगी। तो क्या करेगी? जल्दी पता चल जाएगा। क्यों? ऐसा क्या करेगी? क्योंकि मैंने कौड़ी ही नहीं डाली है दूध वाले पारात में। बोंदिता, तू इतनी भोली और मासूम कैसे हो सकती है? कौड़ी ना डाल के तूने उनकी मन की इच्छा जो पूरी कर दी। देखना कैसे आनंद आ रहा है उन दोनों को अभी ये खेल खेलने में। वो तो और एक घंटा निकाल देंगे बारात में एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए। हमें तो लगता है कि जानबूझकर खेल ही जा रहे अनिरुद्ध बाबू। हाँ। पत्नी के पास ज्यादा रहने का अवसर जो मिल रहा है अनिरुद्ध बाबू को, वरना इतना समय थोड़े ही लगता है। अब ये गलती मुझसे हुई है। मैंने गलती से कौड़ी ही नहीं डाली। मैं भूल गई, अभी डाल देती हूँ। शुरू करो, खेलो ना। मैं कब से ढूंढ रहा था। अब तो वो नवबधू का ही हुक्म मानेंगे अनिरुद्ध बाबू, देख लेना। तैयार हो जाओ अनिरुद्ध बाबू, नवबधू के इशारों पर नाचने के लिए। खुद को इतनी तकलीफ मत दो बोंदिता, अब भी समय है, सही चीज चुनो, चली जाओ पढ़ने डलहौजी। मालिक, नई बहू से अपने मन से विवाह किया है अनिरुद्ध ने, तो ये तो उसकी मनभाई पत्नी हुई ना, और जो रिश्ता मन के साथ साथ रीति रस्मों से भी जुड़ गया हो, उसमें हम चाह कर भी क्या कर सकते हैं बिहारी। पर सच कहें तो अपनी बोंदिता बहू के साथ गलत होते हुए कैसे देख सकते हैं। उसका दुख हमारे मन को बहुत पीड़ा दे रहा है बिहारी। तो कुछ कीजिए ना बड़े मालिक, बैरिस्टर बाबू अभी भी आपकी बात मानते हैं। कुछ तो करना पड़ेगा बिहारी, कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसा जैसा तुमने चाहा सब कुछ वैसा ही हुआ ना अनिरुद्ध, शादी रस्में, और तो और तुम्हारी बड़ी पत्नी की तरह सारी रस्में निभाई बोंदिता बहू ने। इसका क्या मतलब हुआ? अरे यही मतलब हुआ ना कि उसने तुम्हें और मनोरमा को पति पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया है। नहीं, यही मतलब हुआ ना। हाँ। उसकी हंसी, उसकी खुशी सब छिन गई है, सब कुछ। तो फिर बोंदिता बहू को डलहौजी भेजने की सोची भी कैसे तुमने अनिरुद्ध? अनिरुद्ध, तुझे पता है औरत का हृदय ना आसमान से विशाल होता है, पर फिर भी अपने पति की दूसरी पत्नी के लिए उसमें जगह नहीं बना पाती। और ये नन्ही सी बोंदिता ने अपना दिल मजबूत करके अपने सारे कर्तव्य निभाए हैं। तुम्हारा भी तो कुछ कर्तव्य बनता है ना। काश मैं आपको सच बता पाता काका। अरे इस तरह पूरी तरह मुंह नहीं मोड़ सकता है तू अनिरुद्ध। हमारी बात खत्म नहीं हुई है अनिरुद्ध। हमारे समाज में दो पत्नी होना कोई नई बात नहीं है अनिरुद्ध, और उसके कुछ कायदे, कुछ नियम होते हैं जो तुम्हें भी समझने पड़ेंगे। जिन भी आदमियों की दो पत्नियां होती हैं वो उनमें बराबर से दिन बांटते हैं। काका, और तुम्हें भी ये करना होगा। मतलब अगले 3 दिन तुम मनोरमा के साथ रहोगे, और उसके अगले 3 दिन तुम बोंदिता बहू के साथ रहोगे। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.